370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में होने वाले बड़े 10 बदलावों को हम संक्षेप में समझेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक 10 उगम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मिले भारत की तमाम खबरें। आर्टिकल 370 के बदलेगा जम्मू कश्मीर का स्वरूप, पहले जैसे नहीं रहेंगे अधिकार, 5 साल चलेगी विधानसभा। 370 हटने से विपक्षी दलों ने किया कड़ा विरोध। जम्मू कश्मीर पर केंद्र की मोदी सरकार ने सोमवार को ऐतिहासिक फैसला ले लिया है। इस फैसले के तहत गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर को लेकर सरकार का संकल्प पत्र पेश किया। अमित शाह ने बताया कि कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटा दिए गए हैं। अब इसके सभी खंड लागू नहीं होंगे। आपको सबसे पहले उन 10 पॉइंट की ओर लेकर चलते हैं। राष्ट्रपति के पास अधिकार। केंद्र सरकार के नए फैसले के मुताबिक अब जम्मू कश्मीर पर संविधान की धारा 356 लागू होगी और इसके मुताबिक राष्ट्रपति के पास प्रदेश की सरकार को बर्खास्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना है। अब आपको एक और बिंदु की ओर लेकर बढ़ते हैं। 5 साल ही चलेगी सरकार। अब तक जम्मू कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का था, लेकिन नए बदलाव के बाद ये कार्यकाल अन्य राज्यों की तरफ 5 साल का हो जाएगा। जी हाँ, अब आपको लेकर बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। भारतीय संसद के बड़े अधिकार। अब तक घाटी में रक्षा, विदेश मामले और संसार के अलावा भारतीय संसद को किसी भी कानून को बनाने के लिए अधिकार नहीं था। भारतीय संसद को इसके लिए राज्य की सरकार से अनुमोदन कराना होता था, लेकिन अब भारतीय संसद के अधिकार बढ़ जाएंगे, अनुमोदन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, अब आपको लेकर बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। अल्पसंख्यकों को मिलेगा आरक्षण। आर्टिकल 370 लागू होने के कारण वहाँ अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं मिलते थे, जो अब मिलेंगे। लागू होगा आरटीआई। आर्टिकल 370 लागू होने की वजह से कश्मीर में आरटीआई कानून नहीं लागू होता, यानी वहाँ की जानकारी नहीं हासिल किया जा सकती थी, लेकिन अब नए बदलाव के तहत यह भी संभव हो गया है। जी हाँ, अब आपको लेकर बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। खत्म होगी दोहरी नागरिकता। आर्टिकल 370 हटते ही जम्मू कश्मीर के नागरिकों को मिलने वाली दोहरी नागरिकता भी खत्म हो जाएगी। जी हाँ, अगला बिंदु है नीति निर्देशक होंगे लागू। आर्टिकल 370 के कारण जम्मू कश्मीर में राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं लागू होते थे, जो अब संभव हो सकते हैं। जी हाँ, अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक 10 उगम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको भारत के साथ साथ विदेश की खबरें मिलती रहे। जी हाँ, अगला बिंदु है दबंग और प्रतीकों को अपमान अपराध से संबंधित। जम्मू कश्मीर में देश के राष्ट्रीय ध्वज व प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं माना जाता है, लेकिन 370 हटने से देश के बाकी हिस्सों की तरह यहां भी ये गतिविधियां लागू हो जाएगी और अपराध की श्रेणी में आएगी। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। एक ही ध्वज। जम्मू कश्मीर में अब तक अलग ध्वज था, लेकिन नए बदलाव के तहत अब घाटी में भी देश का एक ही ध्वज लहराएगा। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। सबसे अंतिम बिंदु, भूमि कानून में बदलाव। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में भूमि कानून में भी बदलाव देखने को मिलेगा। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के साथ साथ भारत की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप 10 उगम को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बने रहिए 10 उगम के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।